All right, so now we are going to be looking at the other two terms, skewness and kurtosis. So if I were to just go to the absolutely first slide, so apne discuss kar rahe the ye measures, we were discussing, we have the measures of central tendency, mean, median, mode, mean, the average. I know main thoda repetitive ho raha hu, but I want you to absorb these concepts really very well. Median is beech ke position ka value, mode jo sabse zyada bar occur kar raha hai, bimodal, trimodal bhi ho sakta hai. उसके बाद में डेटा का वेरिएबिलिटी कैसा है, एवरेज तो है, मैक्सिमम डेटा इसके आसपास होना चाहिए सेंट्रल टेंडेंसी, लेकिन अराउंड दिस हाउ इज द डेटा अरेंज्ड, दैट वाज अ पार्ट ऑफ मेयर डिस्पर्शन. डेटा इस और इसके बीच में इतना वाइड, इतना विथ है डेटा का, दैट वाज रेंज. उसके बाद में वी वर लुकिंग एट स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन एब्सोल्यूट डिविएशन एंड वेरियंस. कैसे लॉजिक की अपने कि ऑन एन एवरेज जो इतना सारा डेटा आसपास बिखरा हुआ है एवरेज के, तो ऑन एन एवरेज वो डेटा कितना डिस्टेंस पे है. सो एवरी ऑब्जर्वेशन माइनस एवरेज, ऑब्जर्वेशन माइनस एवरेज, ऑब्जर्वेशन माइनस एवरेज, लेकिन ऑब्जर्वेशन माइनस एवरेज में आई वांट टू टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू, मेरे को साइन से मतलब नहीं, मेरे को खाली डिस्टेंस से मतलब है. तो वो डिस्टेंस का समेशन का एवरेज, दैट इज वॉट वी डिड विद मीन एब्सोल्यूट डिविएशन. बट ये एब्सोल्यूट वाला मजा नहीं आया, बोल के स्क्वायर मार दिए, दैट इज अनदर वे ऑफ गेटिंग अ पॉजिटिव वैल्यू. सो वी गॉट आर वेरियंस, बट उसको स्टैंडर्डाइज करना जरूरी था, बिकॉज परसेंटेज स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर डज नॉट मीन एनीथिंग. So we just took a square root and we got our standard deviation. This is where we stopped with the measures of dispersion. Now we need to extend our analysis, our analyzing the data analysis, we bol sakte, to skewness and kurtosis. To abhi tum logo ne data ka average dekha tha, central tendency. Uske baad hum logo ne dekha ki data kaise arranged hai around the average. Now I also want to see ki data mein kahin koi extreme outlier to nahi hai, extreme value to nahi hai. For example, क्या बना ये, we are going to be looking at the skewness part, skewness or kurtosis. क्यों important है, let's see. इसके लिए थोड़ा सा there is something called a distribution जो बाद में आएगा, जो मैं बाद में पढ़ाऊंगा detail में, but in order to explain skewness and kurtosis, I need you to understand a little bit of distribution. अभी से फॉर एग्जाम्पल वो जो घर जाने वाला एग्जाम्पल था कि हाउ मच टाइम यू टेक टू गो फ्रॉम ऑफिस टू होम, वी हैड डिस्कस्ड कि ऑन एन एवरेज 30 मिनट्स लगता है. सपोज आउट ऑफ 365 डेज 50 डेज आप देखोगे कि 30 मिनट्स लग रहा है, 45 डेज होगा जहां 32 मिनट्स लगा है, और 45 मिनट्स ही हुआ है जहां आपको 28 मिनट्स लगा है. 25 मिनट्स में शायद कुछ 20 डेज या 15 दिन ऐसा लगा होगा, या 40 मिनट्स में भी 15-20 दिन लगा होगा. बेसिकली दी आइडिया वॉज जितना ज्यादा एवरेज से दूर जाओगे उतना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम होगा. येस और नो एवरीबडी, प्लीज बी लिटिल अटेंटिव, यू आर फॉलोइंग. सो जितना ज्यादा अपने एवरेज से दूर जाएंगे, अपना आइडियली प्रोबेबिलिटी कम, प्रोबेबिलिटी बोल दिया, आइडियली फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा कम होना चाहिए. अभी तक तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन पे ही हूँ पुराना डेटा पे, बाद में उसी चीज को प्रोबेबिलिटी भी बोलूंगा. वील मूव टू दैट पार्ट इन अ वाइल. बट राइट नाउ वट वी आर सीइंग इज कि ऑन एन एवरेज मेरा जो एवरेज लेवल है उसके आसपास मैक्सिमम डेटा होना चाहिए. तो यहाँ पे टेक्निकली मैंने नंबर ऑफ डेज प्लॉट किया है. तुम लोग हिस्टोग्राम फिस्टोग्राम टाइप का ग्राफ भी जो किए हो स्कूल लेवल पे, उसमें भी इस तरह का काम करते थे. इफ यू एवर मेड अ ग्राफ यू नो दैट वी वुड प्लॉट द फ्रीक्वेंसी, अच्छा इतना मिनट लग रहा है या इतना परसेंट रिटर्न कितनी बारी आया एक्सेट्रा. सो वी यूज टू मेक, वी मेक दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. अभी थोड़ा टॉपिक्स में ना लिंक्ड होगा, मतलब ये इसको पढ़ने के लिए ये चाहिए, इसको पढ़ने के लिए ये चाहिए. बट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज हाउ इज माई डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड. मतलब 30 के पास ज्यादा डेटा है, 30 से दूर गए कम डेटा है, और दूर गए और कम डेटा है, उससे भी और दूर गए और कम डेटा है. इंस्टेड ऑफ रीडिंग 365 लाइन्स ऑफ डेटा विच विल नॉट मेक सेंस, दैट इज वाई द ग्राफ, ये उसको ग्राफ ही समझ लो. अगर अपने हिस्टोग्राम टाइप भी बनाते, अच्छा 25 मिनट्स में 10 ऑब्जर्वेशन था, अगर स्कूल लेवल याद है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ रहता था, अपने वो काट काट के वी यूज टू डू द टोटल, कि अच्छा हाउ मेनी डेज डिड यू ट्रैवल बिटवीन 20-25 मिनट्स टाइम, कितने डेज 25-30 मिनट्स होता था, फिर अपने इस टाइप का हिस्टोग्राम बनाते थे, राइट. फिर उनके मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करके ग्राफ बनाते थे, वही ग्राफ को थोड़ा स्मूदन करके थोड़ा और बेटर तरीके से दिखा रहा हूँ. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू हाउ माई डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड. नॉर्मली मैक्सिमम चीज़ों में अपने आसपास अगर ऑब्जर्व करोगे तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन आर गोइंग टू बी अराउंड द एवरेज,
ऑब्वियस सा बात है ना, कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू होने का चांस ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए ना, एवरेज के आसपास चीज़ों का प्रोबेबिलिटी, चीज़ों का होने का चांस ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा डेटा एवरेज के आसपास रहेगा, दूर में डेटा कम रहेगा। सो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन पे आगे बहुत काम करेंगे हम लोग, बट बेसिक आइडिया समझ में आ रहा है दैट कोई भी चीज़ का वैल्यू है उसका नंबर ऑफ, वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसका कितनी बार वो डेटा आकर किया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा है कि हाउ इज माई डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ इज माई डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इतना ठीक है एवरीबडी? सो नाउ वट वी आर गोइंग टू डू इज कि अभी हम लोगों ने एवरेज पकड़ लिया कि ठीक है मीन मीडियन मोड समथिंग अराउंड दिस। उसके बाद में वी अंडरस्टूड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑल्सो कि ऑन एन एवरेज मेरा डेटा किस तरीके से एवरेज के आसपास बिखरा हुआ है। नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, वॉट इफ आई हैव एन एक्सट्रीमली हाई पॉजिटिव वैल्यू? तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो ऐसा हो जाएगा। इफ आई हैव एन एक्सट्रीमली हाई पॉजिटिव वैल्यू, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का हो जाएगा। अगर मेरे पास एक बहुत ही एक्सट्रीमली हाई पॉजिटिव आउटलायर है, तो से सपोज मैं किसी एक बंदे का इनकम प्लॉट कर रहा हूँ, वो सपोज ग्रोसरी शॉप चलाता है, तो मैक्सिमम डेज उसका एवरेज इनकम इसमें आ रहा है। बहुत ही कम डेज होगा व्हेन हिज इनकम विल गो ओवर हियर और हियर। मे बी किसी दिन स्ट्राइक है, वे वेरी फेमस फॉर दैट, सो अगर किसी दिन स्ट्राइक है सो इट विल कम ओवर हियर, उसका इनकम कम हो गया। या फिर किसी दिन सपोज होली दिवाली है तो इनकम इधर चला गया फेस्टिवल डेज पे, बट ऑन एन एवरेज डे पे द ग्रोसरी शॉप इज अर्निंग दिस मच। सपोज उसको एक दिन लॉटरी लग गया, या उसको वो उसका आई डोंट, आई एम गेटिंग वेरी वियर्ड एग्जाम्पल, उसका शॉप के नीचे से तेल निकल गया। सो आई मीन आई एम जस्ट, आई नो इट्स वेरी वियर्ड बट आई वॉन्ट एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल। उस क्या मिल गया? आई डोंट फॉलो। ऑर्डर इन बल्क भी इधर ही हो जाएगा ना उतना। उसको अंबानी का शादी का ऑर्डर मिल गया, ठीक है, वील टेक दैट ऑल्सो, दैट्स मोर लाइकली दैन अ ऑयल, बट आई थिंक ऑयल इज मोर लाइकली। एनी वेज, वट एवर इट इज, सो यू गॉट एन एक्सट्रीमली हाई वैल्यू। तो इस तरह का डेटा में ये चीज़ खाली स्टैंडर्ड डिविएशन से तो नहीं मेजर होगा ना, क्योंकि एक एक्सट्रीम आउटलायर है या दो एक्सट्रीम वैल्यू है, वो स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा बढ़ेगा। सपोज मैंने 100 की जगह 1000 डेटा अगर लेके रखा है तो शायद उसका इम्पैक्ट उसका उतना समझ में नहीं आएगा। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, कि कुछ भी हो सकता है? इट हैज़ टू बी पॉजिटिव। या स्क्वायर का रूट ले रहे हो, स्क्वायर टर्म्स पॉजिटिव, रूट पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर का तो रूट ही नहीं होता। वेरियंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन एब्सोल्यूट डिविएशन, रेंज भी ऑलवेज पॉजिटिव। रेंज अगर नेगेटिव वैल्यू का भी हुआ ना, -40 से लेकर -20, तो भी तो ये हाइएस्ट माइनस, सॉरी ये -20 यहाँ आएगा, ये -40 आएगा। हाइएस्ट माइनस लोएस्ट में -20, माइनस ऑफ -40, द रेंज इज 20, गैप 20 का है कि 20 के रेंज में मेरा सारा डेटा बिखरा हुआ है। सो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन ऑल आर पॉजिटिव, वो वहां पे ऐड करना जहां पे लिखे थे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, तो लिख लेना, ऑल मेजर्स आर पॉजिटिव, रेंज, एमएडी, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरियंस, एवरीथिंग, देर ऑल पॉजिटिव। सपोज वॉट इफ माई डेटा इज लाइक दिस, ये भी हो सकता है। वॉट इफ देर इज एन एक्सट्रीमली नेगेटिव वैल्यू? वही ग्रोसरी वाले का इनकम का बात कर रहे हैं अभी, वो कुछ एक न्यूज़ में आ रहा था ना, ब्रेड में चूहा आ गया, समवेयर इट वॉज गोइंग ऑन ऑन राउंड या ऑन द नेट, सो ब्रेड में चूहा आ गया, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कोर्ट केस हुआ एंड ही हैड टू पे ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइन। दैट एग्जाम्पल ओवर हियर, ठीक है, अंबानी टू चूहा, राइट? सो नाउ व्हेन वी आर लुकिंग एट दिस एग्जाम्पल, यू हैव एन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हाई नेगेटिव वैल्यू। ये ऑर्डनरी वैल्यूज हुए ना, हाँ नॉर्मली इस रेंज में हो रहा है, बट ठीक है, मोर और लेस आसपास हो रहा है। थोड़ा सा मैं जब डिस्ट्रीब्यूशन और सिखाऊंगा ना, तो ये इसमें वो जो आधा परसेंट क्लियर नहीं हो रहा है वो भी हो जाएगा उस समय। बट यू अंडरस्टैंडिंग द आइडिया, आई कैन हैव एन एक्सट्रीमली हाई पॉजिटिव वैल्यू आउट ऑफ द नॉर्मल रेंज ऑफ वैल्यूज, और आई कैन हैव एन एक्सट्रीमली हाई नेगेटिव वैल्यू। हाउ डू आई अंडरस्टैंड दैट, हाउ डू आई चेक दैट? ये भी तो रिस्क है। से सपोज तुमने कोई एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का कोई स्ट्रैटेजी निकाला, अब वो स्ट्रैटेजी उल्टा पड़ गया। आई गेव यू दैट एग्जाम्पल समवेयर, आई थिंक क्या तो बता रहा था तब, हैथवे को लेकर के मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एनी हैथवे का मूवी आता है, बर्कशायर हैथवे का प्राइस घूम गया। सपोज तुमने कुछ कोडिंग किया था ट्रेड मारने के लिए, और वो कोडिंग में कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ कोड गलत डाल दिया तब, एंड जस्ट इमेजिन द कैटास्ट्रोफिक लॉसेस यू कैन हैव। सपोज तुम स्टॉप लॉस डालना भूल गए अपना ट्रेड में, स्टॉप लॉस करके एक टर्म होता है कि मतलब अगर इससे ज़्यादा लॉस हुआ तो सौदा काट दो, तो देन यू स्क्वायर ऑफ माई ट्रेड,
Suppose you forgot to incorporate that or build that into your algo. An extremely high loss possible. Say suppose you're a venture capital fund, private equity fund हो, venture capital, startups में invest कर रहे हो. There is highly probable कि यहाँ बहुत सारे losses होंगे तुम्हारे. लेकिन कुछ दो चार startup यहाँ पे अगर आ गया, it's gonna be a bumper win. You'll be able to generate tremendous profits, possible. So in that situation, what happens? In that case, we need to understand if there are extremely high positive or negative outliers. Normally हम लोग यही अज्यूम करेंगे कि मेरा इक्विटी फंड में डाला, म्यूचुअल फंड में डाला, माई रिटर्न आर नॉर्मली गोइंग टू बी हियर. बहुत ही ज़्यादा खराब मार्केट होगा या फेकार मैनेजर होगा तो यहाँ आएगा, या बहुत ही कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी हुआ तो यहाँ आएगा. स्टिल इट इज गोइंग टू बी समवेयर हियर. बट वेन आई एम कंपेयरिंग एन इक्विटी फंड विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टार्टअप फंड, मे बी आई नीड टू लुक एट समथिंग लाइक दिस. या मे बी एक ऐसे म्यूचुअल या इस टाइप का एक फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो कि डिस्ट्रेस्ड, मतलब एकदम जो सिक्योरिटी लग रहा है बैंकक्रप्ट हो जाएगा, वो वैल्यू फॉर मनी टाइप का सिक्योरिटी उठाता है. मतलब इट ट्रेड्स ऑन एकदम नेगेटिव सेंटिमेंट. सपोज वोडाफोन का शेयर उठाएगा, सीसीडी का अनाउंस हुआ तब उसको उठाएगा. पीपल ओवर रिएक्ट ना, कई बार क्या होता है मार्केट्स में बहुत ओवरली प्राइसेस लो हो जाते हैं. वॉट इफ यू आर वर्किंग ऑन दैट, तो इट इज पॉसिबल कि तुम्हारा पूरा पैसा डूब सकता है. मे बी तुम बहुत रिस्की बेट्स ले रहे हो. डेरिवेटिव सिखाऊंगा तो तुम लोगों को सिखाऊंगा कि शॉर्ट सेलर्स होते हैं उनका इस तरह का रिटर्न हो सकता है. अभी आई कैन नॉट एक्सप्लेन, आई मीन डेरिवेटिव अ फुल टॉपिक, बट दोज हु नो दोज हु प्रॉब्ली अंडरस्टैंड, बट वो अभी बाद में आएगा. बट यू अंडरस्टैंडिंग द आइडिया कि अलग अलग टाइप के सिक्योरिटीज होते हैं विच विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट काइंड ऑफ रिटर्न. देर कुड बी लाइक स्टार्टअप में क्या है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो डूब सकता है, राइट? बट अगर कुछ बंपर हिट हो गया तो यू विल हैव एन एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट. देर आर सर्टन सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम्पल ले लो. इंश्योरेंस कंपनी के लिए इसमें बहुत डर है, ज्यादा कुछ नहीं है, यहां पे ऐसा ही रहेगा, जितना प्रीमियम मिलता है वो प्रीमियम ही मिलेगा. बट इफ देर इज एन से फॉर एग्जाम्पल अ मेजर, अभी तो केमिकल का ट्रेन उलट रहा है इधर उधर एंड पीपल आर हाइडिंग ऑन न्यूज एंड ऑल दैट. सो वॉट इफ दीज काइंड ऑफ इवेंट्स आर देयर, इंश्योरेंस कंपनी के लिए तो बहुत बड़ा पे आउट हो सकता है ना. सपोज आपने इंश्योरेंसेस बेचा, एक शिप ओवरटर्न कर गया, उसका पूरा कार्गो इंश्योर्ड था, यू हैव अ ह्यूमंगस लॉस ओवर हियर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील करूं, हेज फंड के साथ करूं, डेरिवेटिव करूं, स्टार्टअप फंड करूं, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू वराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स. यू लर्न दीज टर्म्स एज यू मूव फॉरवर्ड, बट यू अंडरस्टैंडिंग द आइडिया दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड इफ देर इज एन एक्सेप्शनली हाई पॉजिटिव और एन एक्सेप्शनली हाई नेगेटिव वैल्यू ओवर हियर. दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू मेजर, विच इज नोन एज स्क्यूनेस, जो कि नॉर्मल में स्टैंडर्ड डिविएशन मेरे को मेजर करके नहीं दे पा रहा था, क्योंकि एक तो वो पॉजिटिव है और दूसरा उसमें जो भी डिविएशन है वो सबको ले रहा था. मेरे को एक्सट्रीम वैल्यू को उभार के बाहर निकालना है, मतलब आई वॉन्ट हाईलाइट दोज एक्सट्रीम वैल्यूज एंड आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इफ आई हैव एक्सट्रीम वैल्यूज ऑन द नेगेटिव और ऑन द पॉजिटिव साइड. उसके लिए आई नीड अ मेजर लाइक अ स्क्यूनेस. अब स्क्यूनेस का फॉर्मूला एंड, अच्छा पहले स्क्यूनेस समझाता हूँ फिर उसका फॉर्मूला पे आऊंगा. सो आई कैन हैव नॉर्मली, अगर अपने देखेंगे तो आई कैन अज्यूम दैट मेरा डेटा एकदम सिमेट्रिकल है. आई कैन अज्यूम कि मेरा डेटा बिल्कुल सिमेट्रिकल है. सिमेट्री मतलब आईना, यू हैव मिरर इमेज ऑन बोथ द साइड्स, राइट? सो यहाँ पर जितना एक्सट्रीम तक वैल्यू जा रहा है यहाँ पे भी वैसे जा रहा है. यहाँ सपोज आपका 30 मिनट से लेकर 28 मिनट्स में जितना प्रॉबिलिटी गिरा, तो 30 से 32 मिनट्स में भी प्रॉबिलिटी उतना गिरेगा. मतलब यहां से +5 करो, यहां से +5 करो, तो वो लेवल सेम है. इट्स एन एग्जैक्ट रेप्लिका, इट्स अ मिरर इमेज ऑन बोथ द साइड्स. सिमेट्री का मतलब यही होता है, राइट? सो आई कैन हैव अ सिमेट्रिकल काइंड ऑफ अ डेटा, और आई कैन हैव, इसको थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था शायद. और आई कैन हैव अ डेटा विच इज समथिंग लाइक दिस. इस तरह का, वेयर आई हैव सम एक्सट्रीम नेगेटिव पॉजिटिव आउटलायर. ये पॉजिटिव साइड हुआ ना, अपने लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, दैट इज अ पॉजिटिव साइड, दैट इज द, दिस इज द नेगेटिव साइड. सो आई कैन हैव एन एक्सट्रीम पॉजिटिव आउटलायर. आउटलायर मतलब आउट ऑफ द ऑर्डिनरी एक्सट्रीम वैल्यू. ये नॉर्मल एंड ऑफ वैल्यू है, बट ये एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सट्रीम वैल्यू हो गया. ये तो तुम्हारा नॉर्मल एक तरीके से रेंज हो गया. अभी तुम देखो तुम्हारा रेंज कितना गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज रेंज नाउ विल इंक्लूड फ्रॉम हियर टू हियर. वन ऑब्जर्वेशन और टू ऑब्जर्वेशन कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर रेंज. बट मेरा 99% डेटा इसी रेंज में है, लेकिन दो एक डेटा के चक्कर में मेरा पूरा रेंज इतना बड़ा सा आ जाएगा. बट एवरेज में नॉर्मली तो डेटा वैसे नहीं हो रहा था ना,
बोलो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, और आई कैन हैव एन एक्सट्रीमली नेगेटिव आउटलायर, आई कैन हैव एन एक्सट्रीम नेगेटिव आउटलायर, एक दो चार पांच कुछ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑब्जर्वेशंस ऑन द एक्सट्रीमली नेगेटिव साइड पॉसिबल. अब ये डेटा सिमेट्रिकल रहा कि नहीं रहा इन बोथ दीज केसेस? ऑफ कोर्स इट्स नॉट सिमेट्रिकल एनी मोर, ऑफ कोर्स इट इज नॉट गोइंग टू बी सिमेट्रिकल एनी मोर. अच्छा, दिस इज सिमेट्रिकल, दिस इज पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड दिस इज नेगेटिव स्क्यूनेस. दिस इज सिमेट्रिकल, दीज टू डेटा, दीज टू डिस्ट्रीब्यूशन आर स्क्यूड. स्क्यूड है, सिमेट्रिकल नहीं है. सिमेट्रिक का ऑपोजिट स्क्यूड, एक तरफ तना हुआ, नॉट सिमेट्रिकल, नॉट अ मिरर इमेज. दैट्स अ पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड अ नेगेटिव स्क्यूनेस. टेल मी कंफर्टेबल एवरीबडी? ऑलराइट, नाउ से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारा 8 8 8 और 10 10 10 का डेटा है. तो मेरा 8 यहाँ है, 10 यहाँ है, ये मेरा 9 हो गया एक तरीके से. ऑब्वियस सब आते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन देख के मेरे को समझ में आ रहा है कि दिस इज माई मोड, दिस इज माई मोड, हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन मतलब ही मोड, ये मेरा मोड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. अगर बाई मोडल डेटा होता तो वो ऐसा होता, देन दिस इज अ बाई मॉडल डेटा. वहां पर तो एक ही पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का हाइएस्ट है ना डेटा. बोलो फॉलोइंग, इट इज नॉट इवन अ प्लेटो लाइक दिस, वो तो एक ही ऑब्जर्वेशन है, दैट इज योर मोड. बोलो एवरीबडी विथ मी, मोड समझ में आ रहा है? नाउ व्हेन आई एम लुकिंग एट मीन, यहां पर क्योंकि मेरा पूरा डेटा एग्जैक्टली मिरर इमेज में बिखरा हुआ है, सो वेदर आई टेक एन एवरेज ऑफ दीज टू, वेदर आई टेक एवरेज ऑफ दीज टू, दीज टू, दीज टू, दीज टू, दिस, ये एवरेज सेम है, ये एवरेज सेम होगा ना, बिकॉज दोनों तरफ अगर मेरा 10 के ऊपर और 10 के नीचे डेटा इक्वल तरीके से प्रॉपर सेम तरीके से बिखरा हुआ है, तो इनका एवरेज तो 10 ही आएगा, बिकॉज 10 के ऊपर या 10 के नीचे द डेटा इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. अगर 12 50 है तो 8 भी 50 है, मतलब देर आर 50 ऑब्जर्वेशन ऑफ 12, देर आर 50 ऑब्जर्वेशन ऑफ 8 एज वेल. इफ आई गो टू लेट्स से 10 से ऊपर जाके लेट्स आई आई गो टू 20, इफ देर आर 10 ऑब्जर्वेशन ऑफ 20, मतलब 10 से 20, अच्छा 10 20 आई टेक अनदर नंबर, 10 से 15 जाकर के अगर 10 ऑब्जर्वेशन है तो 10 से 5 नीचे जाके 5 जाके तो भी 10 ऑब्जर्वेशन होगा. सो जितना मैं इक्वल डिस्टेंस मूव करूंगा तो वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स वो डेटा आ रहा है, तो उन सब डेटा का एवरेज भी तो 10 ही होगा. अगर मैं इस पॉइंट से इक्वली मूव कर रहा हूं, सो देन दिस एवरेज विल बी दिस पॉइंट ओनली, राइट? बिकॉज इसके ऊपर और इसके नीचे इक्वल डेटा है, तो दिस हैज टू बी द एवरेज ऑफ दिस डेटा सेट, राइट? एवरीबडी विथ मी? श्योर. सो देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी द मीन. लेकिन वही बहुत सारे एट्स एंड बहुत सारे टेंस में मैंने अगर एक एक्सट्रीम 1000 का वैल्यू दे दिया, तो डोंट यू थिंक मेरा एवरेज जो होगा वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? वो काफी इंक्रीज हो जाएगा, इसके तरफ टन जाएगा. देर इज एन एक्सट्रीम पॉजिटिव आउटलायर, राइट? सो माई एवरेज इज गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड, एवरेज इज गोइंग टू बी ओवर हियर, दैट इज माई मीन इज गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड एंड स्ट्रेच्ड ओवर हियर. यहां पर अगेन मेरा बहुत सारा एट्स एंड बहुत सारा टेंस है डेटा में, और उसमें मैंने एक -100 का डेटा ऐड किया, माई एवरेज इज गोइंग टू स्ट्रेच्ड वेरी बैडली ऑन द नेगेटिव साइड. मेरा जो मीन है वो यहां आ जाएगा, माई मीन इज गोइंग टू गेट पुल्ड ऑन द लेफ्ट साइड. यस एवरीबडी? मितुल प्रॉब्लम गॉट इट? दिस इज गोइंग टू बी पुल्ड ऑन द लेफ्ट साइड, माई मीन इज गोइंग टू बी लोअर बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम आउटलायर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियन क्या होता है? मीडियन इज जो बीच का पोजिशन है उसका वैल्यू. जब तुम्हारा ये मिरर इमेज है, वेन दिस इज अ मिरर इमेज ऑन दिस साइड एंड दिस साइड, दैट्स मीन्स 50% प्रॉबिलिटी इज हियर, 15% डेटा इज हियर. 50-50 डेटा डिवाइडेड है ना इक्वली, तभी तो ये मिरर इमेज है. इसका मतलब दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मीडियन, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू मीडियन. यस. नाउ आउटलायर होने से मीन ज्यादा इंपैक्ट होता है कि मीडियन? मीन इंपैक्ट होता है, बिकॉज मीन में क्या होता है, फॉर्मूला इज समेशन एक्स बाई एन, यू आर इंक्लूडिंग ऑल द वैल्यूज फॉर कैलकुलेटिंग मीन, समेशन एक्स बाई एन. मीडियन क्या है, बीच का पोजिशन का वैल्यू.
तो मेरा अगर 100 डेटा पॉइंट्स है, ये 1000 करो इसमें कितना जीरो लगाने लगाओ, तो अगर यहाँ पे 2-3 100 150 का 2-3 एक्सट्रीम वैल्यू आ गया, तो मेरा 8 की जगह मीन माइट मीडियन माइट बिकम जस्ट दिस मच। मतलब 50 डेटा नीचे है, 50 डेटा ऊपर है। अब ऊपर में कितना वैल्यू है मेरे को मतलब नहीं है उससे। वट एवर बी दिस वैल्यू, दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर मीन का कैलकुलेशन, नॉट योर मीडियन का कैलकुलेशन। मीडियन इज बीच वाला वैल्यू का, बीच वाला डेटा का, बीच वाला पोजिशन का वैल्यू, राइट? मीडियन इज नॉट इम्पैक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ द आउटलायर। ये आउटलायर यहां है कि यहां है कि यहां है, मेरे को मतलब नहीं है। मीडियन क्या होगा? अगर 2-3 वैल्यू यहां आएगा तो मीडियन हल्का सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, एकदम हल्का सा। मैंने काफी दूर बना दिया, बट दिस विल इवन क्लोजर बिकॉज इट इज सिंपली गोइंग टू, इफ आई हैव अ फ्यू ऑब्जर्वेशन हियर, आई जस्ट नीड टू डिवाइड माई डेटा कि 50% डेटा इसके नीचे है, 50% डेटा इसके ऊपर है, बाकी तो आई डोंट केयर। ये डेटा यहां है कि यहां है कि यहां, आई डोंट केयर। कितना डेटा इस साइड है? अगर दो चार, सपोज दिस वॉज अ 50th ऑब्जर्वेशन अर्लियर, एक बार हाइपोथेटिकली अज्यूम करो 50th ऑब्जर्वेशन था ये। अब क्या होगा? अब तुम्हारा 50th, यहां 2-3 ऑब्जर्वेशन ऐसा आने के कारण ये 50th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। इसके नीचे 49, 46, 48 डेटा है, उसके ऊपर 52, 53 डेटा है, इसके ऊपर 52, 53 है, तो तुमको 2-3 डेटा इधर जाना होगा राइट में। ये कितना बड़ा वैल्यू है उससे मतलब नहीं ना, मेरे को तो 2-3 पोजिशन खाली इधर जाना है। अर्लियर आई हैड 50 डेटा पॉइंट्स बिलो दिस एंड 50 डेटा पॉइंट्स अबव दिस वैल्यू, नाउ आई हैव 47 डेटा बिलो दिस एंड 53 डेटा पॉइंट्स अबव दिस वैल्यू, क्योंकि 2-3 फालतू का एक्सट्रीम वैल्यू आ गया मेरा यहां पर, 2-3 मेरा एक्सट्रीम वैल्यू आ गया मेरा यहां पर। बोलो, फॉलोइंग एवरीबडी? श्योर। सो मेरा ये वाला तो 2-3 डेटा के हिसाब से पुश होगा ना, 2-3 थाउजेंड्स थोड़ी ऐड हो रहा है मेरा डेटा में। इट्स नॉट समेशन एक्स बाय एन, इट इज 50 डेटा इसके नीचे, 50 डेटा इसके ऊपर। बोलो, क्लियर एवरीवन? सो दिस मीडियन इज गोइंग टू बी स्लाइटली मूविंग हियर, करेक्ट? एंड वही लॉजिक इस केस में भी अप्लाई करेगा। यहां पर योर मीडियन इज गोइंग टू बी समवेयर हियर, राइट? मीन इज द वन दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपैक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, वो नीचे हो जाएगा काफी। बट अब मेरे पास पहले यहां पे 50 डेटा इसके इस पार, 50 डेटा इसके इस पार, अभी इसके इस पार में 47, 48 डेटा, इसके इस पार 53 डेटा है, तो मेरा तो 50th डेटा का पोजिशन के लिए मेरे को 2-3 डेटा इधर आना पड़ेगा। ये कितना एक्सट्रीम है, आई डोंट केयर अबाउट इट, दैट डजेंट मैटर टू मी। बोलो, फॉलोइंग दिस, येस और नो एवरीबडी? 100%, राइट? ऑब्वियसली इसमें मतलब आई होप यू पीपल डू नॉट मेक दीज मिस्टेक्स, बट दी आइडिया इज वेरी सिंपल। यहां पर ये अपना नेगेटिव से लेकर के ये पॉजिटिव है ना, तो यहां पर मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, ये तो बन गया। यहां पर मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, ओवर हियर मीन ग्रेटर देन, इसको गंदा कर दे रहा हूं, सॉरी, ड्रॉ द राइट इट हियर, सॉरी, जस्ट जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सो इन दिस केस मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, इन दिस केस मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, इन दिस केस मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड। बोलो, फॉलोइंग दिस? दिस इज योर स्क्यूनेस। सो वी अंडरस्टैंड दैट मे बी स्टार्टअप्स एंड ऑल माइट बी शोइंग अ रिटर्न ऑफ पॉजिटिव स्क्यूनेस, मे बी इंश्योरेंस कंपनीज माइट बी स्केयर्ड ऑफ नेगेटिव स्क्यूनेस। वी नीड टू स्टडी, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसा डेटा है, उसके लिए क्या मेजर्स लें, उसको कैसे मैनेज करें अपने रिस्क एंड ऑल को, कैसे रिटर्न्स को स्टडी करें, कैसे अपने पोर्टफोलियो में उन इन्वेस्टमेंट्स को इनकॉपरेट करें। दैट इज वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। बोलो, गेटिंग द आइडिया? श्योर एवरीबडी? अच्छा, अभी थोड़ा सा एक चीज और है कि हम लोग को स्क्यूनेस वगैरह के लिए ना, देर इज समथिंग कॉल्ड, वो फॉर्मुला वॉर्मला भी देखना पड़ेगा अपने को। तो अभी स्क्यूनेस का फॉर्मूला के लिए आई वॉन्ट टू टीच यू, देर इज समथिंग कॉल्ड मोमेंट्स। आई डोंट नो तुम लोगों ने स्टेटिस्टिक्स में स्कूल में या कॉलेज में मोमेंट्स करके एक टर्म पढ़ा है कि नहीं, एंड टीचिंग दिस इज गोइंग टू मेक इट वेरी इजी फॉर मी टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द फॉर्मूलाज। सो अपने जब मीन का बात कर रहे थे, सो समेशन एक्स बाय एन था। जब अपने वेरियंस का बात किए तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय एन था। जब अपने स्क्यूनेस का बात करेंगे तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल क्यूब बाई एन यूज करेंगे। ये फॉर्मूला नहीं है, आई नो, वेट। जब अपने कर्टोसिस का बात करेंगे तो वी आर गोइंग टू बी यूजिंग दिस।
नाउ वेरियंस वी न्यू दैट वी नीडेड टू स्टैंडर्डाइज इट, सो हम लोगों ने उसका स्क्वायर रूट लिया था। इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए आई एम गोइंग टू बी डिवाइडिंग इट बाई एस डी क्यूब, और इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए एस डी टू द पावर 4। ये जो मैं ब्लू में लिख रहा हूँ, बेसिकली व्हाट वी डू इज, हाउ वी डिफाइन इट इज, यू डोंट नीड द एग्जैक्ट फॉर्मूलाज एंड ऑल, बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दिस इज द फर्स्ट मोमेंट पार वन, दिस इज द सेकेंड मोमेंट पार टू, दिस विल बी द थर्ड मोमेंट पार थ्री, दिस विल बी द फोर्थ मोमेंट पार फोर, विदाउट दिस एस डी ए पिंक वाला को छोड़ के, ठीक है। अब ये फॉर्मूला एकदम सीरीज में योर अंडरस्टैंडिंग, पार वन टू थ्री फोर, फर्स्ट वी आर लुकिंग एट सेंट्रल टेंडेंसी, देन वी आर लुकिंग एट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, देन वी आर लुकिंग एट स्क्यूनेस, एंड देन वी आर गोइंग टू लुक एट कर्टोसिस। मेरे को पता है नहीं किया अभी तक, दैट्स ओके। मैं खाली फॉर्मूला बता रहा हूँ कि किस तरीके से, तो फॉर्मूला इज इन एन एब्सोल्यूट मतलब ईजी वे यू कैन लर्न। जो एक्स बार था उसका एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, एवरेज में मैम रोज मेरे को 30 मिनट्स एवरेज लगता है, द एवरेज रिटर्न ऑन द स्टॉक इज 10%, द एवरेज नंबर ऑफ किलोमीटर्स आई रन इज 2 किलोमीटर्स, सो देर इज अ यूनिट ओवर हियर, द यूनिट इज नॉट गेटिंग कैंसल्ड, 10 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर्स, नॉट 5। एन इज अ नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ डेटा, इसमें यूनिट है, इसमें यूनिट स्क्वायर था, ये सेकेंड मोमेंट होता, इसको मैंने स्टैंडर्डाइज किया है, इसका यूनिट है, इन दोनों का यूनिट विल बी परसेंट परसेंट किलोमीटर किलोमीटर, स्टैंडर्ड डिविएशन करने के बाद का बोल रहा हूँ। एवरीबडी विथ मी, इन दोनों के लिए दिस इज द थर्ड एंड द फोर्थ मोमेंट वे यू आर टेकिंग इट्स पार थ्री पार फोर, व्हाट एम आई डूइंग? एवरेज से मेरा एक एक ऑब्जर्वेशन कितना दूर, वेरियंस में क्या कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन माइनस एवरेज स्क्वायर, ऑब्जर्वेशन माइनस एवरेज स्क्वायर, ऑब्जर्वेशन माइनस एवरेज स्क्वायर, और वो सारे स्क्वायर्स का समेशन डिवाइडेड बाय एन। बेसिकली व्हाट आर यू डूइंग, डिस्टेंस का स्क्वायर का एवरेज, डिस्टेंस का स्क्वायर का एवरेज, नेक्स्ट डिस्टेंस का क्यूब का एवरेज, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार क्यूब, एक्स माइनस एक्स बार क्यूब का समेशन करके डिवाइड बाय एन इज एवरेज। यहां पर एक्स माइनस एक्स बार टू बार फोर करके उसका एवरेज, डिस्टेंस का टू द पावर फोर करके उसका एवरेज, बोलो यस और नो? यस, ओके। एंड देन ये 10 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर क्यूब में क्या यूनिट हुआ, किलोमीटर क्यूब। स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या मेजर था, किलोमीटर था, स्टैंडर्ड डिविएशन है, वेरियंस नहीं है। ये सब भी गलती करते, वेरियंस क्यूब कर देगा फॉर्मूला में, डोंट डू ऑल दैट। क्वेश्चन में डेटा वेरियंस दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन, सॉरी आई विल कम बैक टू दैट। एस डी क्यूब, सो किलोमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब कट जाएगा। ये लोग दोनों का यूनिट है, यूनिट स्क्वायर क्यूब फोर नहीं है, दीज टू आर गोइंग टू बी यूनिट फ्री, दिस इज स्टैंडर्डाइजिंग द एस डी क्यूब, एस डी पार फोर से डिवाइड करके आप डेटा को स्टैंडर्डाइज कर रहे हो। कैन यू सी दैट, बाई डिवाइडिंग इट बाई एस डी क्यूब एस डी फोर, आई एम स्टैंडर्डाइजिंग द डेटा, इट बिकम्स अ यूनिट फ्री मेजर, इट बिकम्स अ यूनिट फ्री मेजर, डोंट थिंक ऑफ इट एज कॉम्प्लिकेटेड स्टैट्स एंड ऑल ऑफ दैट, कॉन्सेप्ट पे खाली फोकस करो, कैलकुलेशन पे माथा मत लगाओ ज़्यादा, पहले अंडरस्टैंड व्हाट द लॉजिक इज। एक बार इसको पॉज पे एक बार छोड़ते हैं, मेरे को एक चीज छोटा सा कुछ बताने दो, फिर आई एम कमिंग बैक टू दिस। नाउ सपोज 2 × 2 × 2 है और एक 5 × 5 × 5 है, आंसर बताना कितना है? इसका डिस्टेंस खाली 3 है, इसका डिस्टेंस 3 है, इसका डिस्टेंस 3 है, करेक्ट। 3 × 3 × 3 कितना होता है, 27। लेकिन इन दोनों का गैप 27 है क्या? नहीं। बेसिकली 2 × 2 × 2 की जगह मैंने 5 × 5 × 5 किया, करेक्ट। 2 क्यूब इज 8, 5 क्यूब इज 125, द गैप बिटवीन दीज टू इज क्वाइट ह्यूज। कैन यू सी दैट, एक 3 यूनिट्स बढ़ाया लेकिन क्यूब करने के कारण मेरा गैप कितना एम्प्लीफाई हो गया, दिख रहा है? एवरीवन फॉलोइंग दिस? व्हाट इफ आई डू 2 to the power 4 एंड देन आई डू 5 to the power 4, व्हाट इज दिस इज इक्वल टू 16 एंड दिस इज इक्वल टू 625, और इसके बीच का जो गैप है वो 3 है, 3 टू द पावर 4 कितना है, 81,
16 और 625, 500 600 का गैप, 600 के ऊपर का गैप है, बट तुम्हारा 3 to the power 4, मतलब इसका गैप कितना एम्पलीफाई और ज्यादा हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे द गैप वॉज लाइक 100 इश क्यूब में, और पार फोर करते द गैप इज लाइक 500 600 इश, मतलब डू यू सी द इनॉर्मिटी इन द गैप। इफ सॉरी मेरे को ये भी पहले ही बना देना चाहिए था, बट से फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम लुकिंग एट 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या है, 9, राइट, 3 स्क्वायर क्या है, 9। सो बेसिकली लेकिन इसका गैप कितना है, 20 इश, दिस गैप बिकेम 100 इश, दैट गैप बिकेम 500 600 इश। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जब मैं 10 12 है, 10 से मेरा एक डेटा 12 दो यूनिट ऊपर, 10 से मेरा 5 यूनिट्स ऊपर, सपोज 15 मेरा एवरेज 10 है, सपोज अ स्टॉक गेव अ रिटर्न ऑफ 12, सपोज अ स्टॉक गेव अ रिटर्न ऑफ 15, 2 का गैप और 5 का गैप था एवरेज में, 2 और 5 मतलब एवरेज में 12 और 15 का टोटल करके बाई एन कर रहे हो, जब स्टैंडर्ड डिविएशन कर रहे हैं तो 2 स्क्वायर ये डिस्टेंस का स्क्वायर और ये डिस्टेंस का 5 स्क्वायर हुआ, थोड़ा सा एम्पलीफाई हुआ, स्क्यूनेस कैलकुलेट कर रहा हूं, एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार, मतलब 2 का यूनिट और 5 का यूनिट में 5 का यूनिट कितना एम्पलीफाई हो रहा है, दिख रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट माई एवरेज इज 10, देर आर रिटर्न 8% 6% 5% 12% 14% 15% एंड ऑल, एवरेज में आप 10 12 15 6 8 4 सब ऐड करके डिवाइड बाय एन कर रहे हो, स्टैंडर्ड डिविएशन में वो 2 का डिस्टेंस 5 का डिस्टेंस को 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर करके उसका इंपैक्ट को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, स्क्यूनेस में 2 क्यूब और 5 क्यूब करके डिस्टेंस को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो फॉर्मूला में, एंड कर्टोसिस में आप 2 to the power 4 और 5 to the power 4 को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अपने डेटा में। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट एज यू मूव फ्रॉम स्टैंडर्ड डिविएशन टू स्क्यूनेस टू कर्टोसिस, जो थोड़ा दूर होगा ना डेटा, जितना दूर होगा उसका इंपैक्ट को और बहुत ज्यादा एम्पलीफाई नहीं करते रहे हम लोग, आई यू अंडरस्टैंडिंग कि हाउ वट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज रिस्क में अपने खाली स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं देख सकते, अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है डेटा का, हम लोग जो डिस्टेंस है 2 5 10 जो बड़ा डिस्टेंस होगा वो बहुत 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 ज्यादा एम्पलीफाई हो रहा है स्क्यूनेस में एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड डिविएशन, यू सी, एंड स्क्यूनेस से कर्टोसिस, कर्टोसिस आई नो आई हैव नॉट टॉट यू येट बट इट इज गोइंग टू गेट इवन मोर फर्दर एम्पलीफाइड, आर यू अंडरस्टैंडिंग वट आई एम डूइंग ओवर हियर सम वॉट विद द फॉर्मूला, there is no proof of the formula but you're understanding what I'm doing, सबसे पहले यूनिट वाला पार्ट तो समझ रहे हो, फॉर्मूला का पैटर्न समझ रहे हो, लर्न करने में इट विल बी इजियर, एस डी क्यूब एस डी टू द पावर 4, करेक्ट, वी आर स्टैंडर्डाइजिंग इट, दिस वन इसमें से तुम्हारा ये दोनों नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकता कभी भी, ऑलवेज पॉजिटिव, दिस तो कैन बी नेगेटिव, 10 ठो नेगेटिव नंबर का एवरेज ले लो, नेगेटिव ही आंसर आएगा, एवरेज तो नेगेटिव हो ही सकता है इफ मोर वैल्यूज आर नेगेटिव, मतलब मोर नेगेटिव वैल्यूज आर देयर, एस डी क्यूब एक्स माइनस एक्स बार होल क्यूब दिस कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, नेगेटिव होगा नहीं, आई एम सेइंग इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्सक्यूज मी सॉरी, दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूनेस, स्क्यूनेस में अपने को पॉजिटिव और नेगेटिव चाहिए ना, इफ माई स्क्यूनेस इज पॉजिटिव मेरा आंसर यहां पर ये पॉजिटिव आएगा, ये 0 आएगा मेरा स्क्यूनेस, और यहां मेरा स्क्यूनेस नेगेटिव आएगा, स्क्यूनेस इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर, स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0, स्क्यूनेस 0 हो जाएगा इन अ सिमेट्रिकल डेटा, क्योंकि यहां पर और यहां पर अगर थोड़ा एक्सट्रीम वैल्यू हुआ तो एक्स माइनस एक्स बार होल क्यूब नेगेटिव विल कैंसिल एक्स माइनस एक्स बार होल क्यूब पॉजिटिव, जितना यहां नेगेटिव वैल्यू जितना यहां पॉजिटिव वैल्यू अगर दोनों सिमिलर टाइप से है तो वो दोनों कैंसिल ऑफ करेगा, यहां पर स्टैंडर्ड डिविएशन इट वॉज इन कैंसिलिंग, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इफ वी हैव मोर ऑन द नेगेटिव साइड एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर वैल्यू एक्सट्रीम होगा तो उसका इंपैक्ट इनकॉर्पोरेट होगा ना पार 3, यू अंडरस्टूड व्हाट आई वाज डूइंग इन द नेक्स्ट स्लाइड, पार 3 पार 4 करके जो गैप दिखा रहा था 2 क्यूब 2 5 क्यूब एंड 2 to the power 4 5 to the power 4 में, यू अंडरस्टैंडिंग क्यूब करने से वो एम्पलीफाई कर रहा हो ना, स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ी वो एम्पलीफाई कर रहा था,
एंड स्टैंडर्ड डिविएशन में थोड़ी तुम्हारा नेगेटिव पॉजिटिव कट रहा था, स्टैंडर्ड डिविएशन में तो एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का समेशन बाई एन था। आई नो रूट ले रहे बट यू अंडरस्टैंडिंग द आइडिया प्रॉब्लम। हाँ तेरे को ही पूछ रहा हूँ। नहीं श्योर एवरी वन? ओके सो लेट्स कलेक्ट आर थॉट्स टुगेदर। आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रूव द फॉर्मूला, आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्फ्यूज यू, बट जितना डीप मतलब जितना अपने ड्रिल डाउन कर सके उतना करने का कोशिश कर रहे हैं। सो वी हैव अ मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्यूनस कर्टोसिस। पहला वाला में समेशन एक्स बाई एन वो अपने को एवरेज दे रहा है कि डेटा इसके आसपास लाई करेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑन एन एवरेज उसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं वेरियंस को, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई एन का रूट ओवर, उसमें वो बता रहा है कि ऑन एन एवरेज मेरा डेटा कितना दूर है एवरेज से, मीन से मेरा बाकी का डेटा। कुछ डेटा ज्यादा ऊपर है, कुछ डेटा नीचे है, कुछ डेटा बहुत पास में है, तो ऑन एन एवरेज कितना ऊपर नीचे है फ्रॉम द एवरेज, दैट इज वॉट वी आर लुकिंग एट इन स्टैंडर्ड डिविएशन। ऑन एन एवरेज एवरेज से डेटा कितना ऊपर नीचे है, करेक्ट? स्क्यूनेस कर्टोसिस में, स्क्यूनेस में आई वॉन्ट टू सी वेदर डू आई हैव एन एक्सट्रीम आउटलायर और नॉट। एक्सट्रीम आउटलायर को स्पॉट करने के लिए आई वॉन्ट दैट गैप टू बी मैग्निफाइड। मतलब तुम्हारा 2 से गैप अगर 5 हो रहा है तो मेरे को वो गैप को बहुत बड़ा दिखाना है, दैट इज वाई वी आर डूइंग अ क्यूब। एंड प्लस आई वॉन्ट टू सी वेदर द डेटा इज सिमेट्रिक और वेदर यू हैव एन एक्सट्रीम पॉजिटिव और नेगेटिव आउटलायर। आई नीड द साइन, द साइन इज इंपॉर्टेंट टू मी। सो वन आई वॉन्ट टू मैग्निफाई कि 2 क्यूब और 5 क्यूब में डिस्टेंस ज्यादा है ना, 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर का गैप बहुत छोटा है, 2 और 5 का तो कोई गैप ही नहीं है, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर का गैप बहुत ज्यादा है, क्यूब का और बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो रहा है। सो आई वॉन्ट दैट एम्पलीफिकेशन। आई वॉन्ट इफ देर इज एन एक्सट्रीम वैल्यू, सपोज यहाँ पे 12 10 है तुम्हारा एवरेज, तुम्हारा 8 है 10 है, वो तो एक दूसरे को काट देगा 8 एंड 12, बट अगर 15 17 दो तीन भी एक्स्ट्रा वैल्यू हो गया वो इतना एम्पलीफाई हो जाएगा क्यूब होने के कारण दैट आई एम गोइंग टू बी एबल टू सी अ पॉजिटिव आउटलायर। और इफ देर इज अ नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, आई एम गोइंग टू बी एबल टू सी अ नेगेटिव आउटलायर एंड दैट नेगेटिव पॉजिटिव साइन इज गोइंग टू बी रिटेन्ड बिकॉज इट इज क्यूब। माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इज अ माइनस। बोलो फॉलोइंग दिस कर्टोसिस पूरा बाकी आई नो, बस मेरा पैटर्न बन रहा है वो दिखाने के लिए। सो एक्स माइनस एक्स बार होल क्यूब का समेशन बाई एन, ये तो थोड़ा अजीब टाइप का हो जाएगा, परसेंटेज क्यूब किलोमीटर क्यूब समझ में नहीं आ रहा है। आई एम स्टैंडर्डाइजिंग इट बाई डिवाइडिंग इट बाई एस डी क्यूब। दिस इज माई थर्ड मोमेंट, दिस इज माई फोर्थ मोमेंट। आफ्टर स्टैंडर्डाइजिंग दिस इज स्क्यूनस का फॉर्मूला, ये कर्टोसिस का फॉर्मूला है जो नेक्स्ट करा रहा हूं, बट इज द फॉर्मूला फॉर स्क्यूनस। स्टैंडर्डाइज करने के बाद का फॉर्मूला स्क्यूनस, उसके पहले का मोमेंट था थर्ड मोमेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, पार वन पार टू पार थ्री पार फोर, एकदम सिंपल है। बोलो क्लियर? नाउ द स्क्यूनस इज अ स्टैंडर्ड, इट्स अ यूनिट फ्री मेजर। इफ इट्स अ जीरो वैल्यू देन दिस इज द काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द काइंड ऑफ डेटा, लेफ्ट एंड राइट दोनों में इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ये पॉजिटिव है इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड, इट इज मोर ड्रॉन टू द राइट साइड, देर आर एक्सट्रीम पॉजिटिव आउटलायर। पॉजिटिव कितना है मेरे को कोई मतलब नहीं है, 10 है 20 है 40 है 20 लाख है, दैट विल डिपेंड कि किस टाइप का डेटा के साथ काम कर रहे हो। 10 15 थाउजेंड का वैल्यूज है, 10 15 मिलियन का वैल्यू है, 10 15 लाख का वैल्यू, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बोलो फॉलोइंग दिस? बट दिस इज अ स्टैंडर्डाइज मेजर, पॉजिटिव और नेगेटिव, इट कैन हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, दैट इज योर स्क्यूनेस। बोलो 100% ओके टिल हियर? एक बार ये टेक दिस डाउन। ऑल्सो जस्ट टू क्लैरिफाई, ये फर्स्ट मोमेंट था, ये सेकेंड मोमेंट था वेरियंस, ये स्टैंडर्डाइज किया था मैंने सेकेंड मोमेंट को स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। वेरियंस इज योर सेकेंड मोमेंट, ये थर्ड मोमेंट था, इसको स्टैंडर्डाइज किया बाई डिवाइडिंग इट बाई एस डी क्यूब विच गेव मी स्क्यूनेस। ये फोर्थ मोमेंट था जिसको मैंने स्टैंडर्डाइज किया बाई डिवाइडिंग इट बाई एस डी टू द पावर 4 एंड दैट गेव मी माई कर्टोसिस। सी दिस ओके?